मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? तो होप करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो कल रात को मैं बहुत लेट आया, इसलिए सुबह सोया ही रह गया था। तो सुबह का वीडियो भी लेट आया थोड़ा। तो वीडियो तो आ चुका है, मतलब मैंने 8:15 के आसपास कुछ एक्टिव कर दिया था। रात को मैं सो गया तो नींद ही नहीं खुली। तो होप करता हूँ आप लोग मेरा वीडियो वॉच कर रहे होंगे। अगर पसंद आ रहा हो तो कोई कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बने रहिए इस ब्लॉग में। अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद बाहर जाना है तो आपको अपडेट करेंगे। तो बने रहिए ब्लॉग में और देखिए आज क्या हो रहा है। अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, बाबू तो सो गया है। तो यार मस्त क्लीन हो गया, रात को बहुत घुमाया, पता नहीं क्या हुआ। कल रात में थोड़ा सा स्क्रैच आया था, पता नहीं कहाँ पे। ओके, हल्का यहाँ पे था, ये लगा था, पता नहीं कैसे। अच्छा कोई नहीं, तो क्लीन तो हो गई है। बस अब कहीं जाएंगे देखिए इसको। ओहो बाबू सोया है अभी भाई, बाहर गए थे, बाहर से फिर आ भी गए हैं और अभी बाबू सो रहा है। देखो उठता है तो बात करते हैं उससे। गाइस खाना खा के बैठे हैं अभी ऐसे ही और बाहर जाने का प्लान बन रहा है, देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो बस आज का तो यही है, खाओ। और एक दो लोकल में काम है यहाँ पे, वो जाऊँगा अभी करके आऊँगा। तो देखता हूँ कितनी देर लगते हैं उसमें काम में। तो बस उसका ही एक ये है कि वो काम हो जाए। गाइस मार्केट गए थे, मार्केट जाके अभी आए हैं। अपना काम तो हो गया, बहुत सारा काम था, सो गया था मैं एक्चुअली। दिन में ऐसा हुआ कि गाइस मैं सो गया और सोने के बाद नींद ही नहीं खुला। तो एक फोन आ रहा था बार बार, तो उठा मैं, उसके बाद देखा क्या हुआ है। फिर मैं उसके बाद रेडी हुआ, फिर मार्केट गया, जिससे मिलना था मैं उससे मिला और उसको एकदम हेक्टिक हो जाता है सैटरडे को। सैटरडे ऐसा ही बीतता है। और गाइस बाबू भी सोया था मेरे साथ, तो अभी वो उठ के खेल रहा है, आप लोग देख लो मैं नींद से एकदम ऐसे, क्योंकि सुबह लेट आया था मैं ट्रैफिक जाम में फंसने के चलते, तो नींद तो आना स्वाभाविक था। तो अभी उठा और फिर सारा काम किया। अब जाते हैं बाबू के साथ, खेलते हैं, कुछ खाएंगे, क्योंकि बहुत देर से मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, सोए 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 सोए। और गाइस एक बात है कि पता नहीं क्यों काम नहीं हो पा रहा है, कोई काम करने जा रहा हूँ मैं, वो हो ही नहीं पा रहा है। तो वो एक मतलब क्या बताऊँ, बॉटलनेक बना हुआ है, उसको कंप्लीट करना है मुझे टास्क को। तो कैसे करते हैं अभी देख आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल अभी बाबू को जाएंगे, उसके साथ खेलेंगे। क्या है बताओ, क्या है, क्या कर रहा है बाबू, क्या क्या गाड़ी चला रहा है अपना? वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इधर आओ, इधर इधर देखो, इधर गाड़ी चला रहा है, बहुत बढ़िया कर रहे हो। बताओ बाबू, चलें आ जाओ। तो बाबू उधर खेल रहा है और अभी बैठे, खाना बनेगा अभी। ये क्या है, ऐ तो गाइस अभी खाना बन रहा है, खाना बनेगा फिर। ठंड तो बहुत है, मेरे को लगता है 15 डिग्री टेम्परेचर होगा अभी बाहर में। तो उसी ठंड में एडजस्ट कर रहे हैं अभी। देखो ये है ब्लैंकेट, तो मैं सोया था ओढ़ के, और
हीटर चल रहा है इसलिए मैंने टी शर्ट ही डाल रखा है। मैं वैसे मेरे को स्वेटर पहनना पसंद नहीं है तो मैं पहनता नहीं। तो गाइस अभी बस यही है, खाना खाएंगे, बाबू आ रहा है अभी तो उसके साथ खेलेंगे और फिर सो जाएंगे। लेकिन आज जो टायर्डनेस अभी मेरे ये पे दिख रहा होगा चेहरे पे, तो गाइस सब लोग न्यूज़ देख रहे हैं, न्यूज़ की आवाज़ आ रही है। एक बात तो मैं आप लोगों को बताना भूल ही गया, तो मैं जब बाहर गया था तो मार्केट में थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं, कल है दिल्ली में इलेक्शंस और एमसीडी का इलेक्शंस है, तो उसके चक्कर में हर आदमी बिजी है। तो मैंने एक काम दिया हुआ था, कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम था जो कि इलेक्शन के चक्कर में वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्योंकि सब लोग उसी में लगे हुए हैं, सब उसी के ये में काम में फंसे हुए हैं। तो बोल रहे हैं कि इलेक्शंस ख़त्म हो जाएगा तो मिलेगा पेपर, ठीक है कोई बात नहीं। तो मतलब इतना इलेक्शन का यहाँ पे ये है, हर तरफ पोस्टर ही पोस्टर लगा हुआ है हर जगह, और एक के बाद एक के बाद एक, किसी और पार्टी की किसी और पार्टी की, एक ही जगह पूरा ऐसे। तो कल इलेक्शन है, पता नहीं कल मार्केट में सब कुछ खुला रहेगा नहीं खुला रहेगा, आइडिया तो है नहीं मुझे। ऐसे मैंने नोटिस किया है कि लास्ट टाइम जब इलेक्शन था तो खुला था सब कुछ, मार्केट तो खुला ही था। तो देखेंगे कल कैसे ये होता है और जैसा होगा आपको अपडेट मिलेगा, बट मेरा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है जस्ट इलेक्शन के चक्कर में, तो देखते हैं कैसे होता है और फिर उसके हिसाब से हम लोग मतलब कल का तो मेरा जितना भी काम है वो उसी के हिसाब से वो इलेक्शन मतलब अब उसको सब लोग उसमें रहेंगे तो कहीं जाना मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है। तो देखेंगे क्या होता है, तो जैसा होगा आपको अपडेट करेंगे कल। फिलहाल अभी खाना बन रहा है तो शायद आलू पराठे या कुछ बन रहा है, तो देखते हैं क्या ये होता है, तो अभी खाएंगे। मतलब आप लोग जब ये ब्लॉग देख रहे होंगे तो दिल्ली में इलेक्शन हो रहा होगा, तब की मैं बात कर रहा था। तो गाइस मतलब मैं एवरीडे 7:30 मॉर्निंग ब्लॉग डालता हूँ, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से प्लीज़ मेरे ब्लॉग को आप लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो मेरा ब्लॉग सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ये है खाने में और अब खाते हैं, एक बार खाना खा लेते हैं फिर आप लोगों से बात करते हैं। देखिएगा इस लड़के को क्या कर रहा है, क्या आवाज निकाल रहे बाबू, क्या अरे गंदा है, क्या आवाज निकाल रहा है ऐसे, अरे नहीं क्या, ऐसे कौन सा खेल है गंदू, नहीं ऐसा मत खेलो, अरे नहीं गंदू गंदू, देखो क्या हो गया तुमको, क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो तुम, नहीं ऐसे करते, गंदी आदत, हाँ गंदी आदत है, गंदी आदत है। देखिएगा इस लड़के को क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो बाबू बताओ, क्या कर रहे हो बताओ बताओ, क्या कर रहे हो, अरे बोलो ब्लॉग में बोलो गाइस, मेरे ब्लॉग को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब बोल दो। हाँ बोलो बोलो, बोलो कहाँ बोलो, बोलो। तो गाइस अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया और ना पसंद भी आया कुछ भी आया तो प्लीज़ कमेंट शेयर
एंड सब्सक्राइब, लाइक बटन प्लीज प्रेस कर दीजिएगा अगर पसंद आया तो, नहीं आया तो अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और इस बच्चे को देखिए, छोड़ो, बोल दो थैंक्स फॉर वॉचिंग।